आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो भी छात्र बीएससी सेकेंड ईयर में हैं आप देख सकते हो, और आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आप यूपी की यूपी आल यूनिवर्सिटी एमपी बिहार जो भी है, जो सिलेबस आपका मिल रहा है, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, सिलेबस आपका मिल रहा है यूपी बिहार मध्य प्रदेश से भी है, उत्तराखंड से भी है, आपको पता है सिलेबस सभी का समान है लगभग में, कुछ क्वेश्चन आगे पीछे कर रखे हैं, कुछ पेपरों को आगे पीछे कर रखा है, बाकी कुछ चेंज नहीं है, इस बात को ध्यान रख लेना। ये वीर भद्र सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ है अभी हाल ही में, आज ही हुआ है, आप देख सकते हो जूलॉजी का फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर आप देख रहे हैं जूलॉजी का, सेकंड पेपर शायद कल या परसों होगा, जो भी होगा तो मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगी, ठीक है। मैं देखो मैं आपसे बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं यूपी आल यूनिवर्सिटी के नाम से, बस वही पढ़ लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, यूपी आल यूनिवर्सिटी वही पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं देखना। अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन फंसा है प्रूफ करके दिखाने वाला हूं, आपको विश्वास ना आए ना, तो मैंने वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वीडियो का लिंक, पहले ये वीडियो पूरा देख लो, ये वीडियो को पूरा देख लो, पेपर जो दिखा रहा हूं आपको पता चल जाए कौन कौन से क्वेश्चन, उसके बाद में जो वीडियो मैंने दी है नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूपी के आल यूनिवर्सिटी के पूरा क्वेश्चन फंसा है, आप देख लीजिए पूरा की पूरा पेपर, कह सकते हैं कि 2022 का जो पेपर है वो लीक हुआ है, पूरा पेपर लीक हुआ है, मैं आपको क्लियर करके दिखाने वाला हूँ, एक एक क्वेश्चन फंसा है। अब यहाँ देखिए नीचे पूरा 50 नंबर का पेपर था, सेकंड ईयर का देख रहे हो, ये पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का पेपर है छात्रों का, अब यहाँ देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन, 3 घंटे में सोल्यूशन करना था, अब मैं इस पेपर को पूरा दिखाने वाला हूं। पहले तो पूछे गए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, देखो यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से, बिहार से, एमपी से, आप तो प्रवेश के क्वेश्चन पेपर आपको देखना बहुत जरूरी बन जाता है, और आप अभी जिसका पेपर नहीं हुआ है और होने वाला है जूलॉजी फर्स्ट का, तो देख लो इसके क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे, क्योंकि सिलेबस सभी का सेम है, केवल ऐसे एक या फिर दो यूनिवर्सिटी है यूपी के अंदर, बाकी सबका सेम है सिलेबस, किसी का चेंज नहीं है, ठीक है। अब यहाँ तुम ध्यान से देख लो मेरी बात को, समझ लेना मेरी एक बात को, सभी लोग समझ लेंगे ध्यान से और ध्यान पूर्वक ही समझेंगे सभी लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अभी बेल आइकन को प्रेस करेंगे सभी लोग, सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है सभी को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ देखिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को देखिए, पहले यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ कह रहा है एक एक नंबर के क्वेश्चन है, आप 10 क्वेश्चन करते हो तो 10 नंबर मिलते हैं, ये बोल रहा है। हम नीचे जाएंगे, कह रहा है 50 वर्डों में लिखना, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, मतलब आधे आधे पेज जो होता है ना, मतलब ये पूरा पेज मान लो, ये कॉपी का एक साइड है, एक पेज है, तो इसका आधा पेज भर दो और आधा फिर एक प्रश्न में क्वेश्चन भर दो, आधा दूसरे क्वेश्चन भर दो, जैसे कि पहले के 1 में, पहले के 2 में आधा आधा भरना है, बस ज्यादा भरने की जरूरत नहीं होती, दो दो तीन तीन लाइनें भरनी होती है, ठीक है, वो तो बच्चों की करने, मतलब फालतू वाली चीजें होती हैं वो करने का, ठीक है, कि मतलब ये 50 वर्ड पे कुछ लोग पूरी पूरी भर देते, कभी ये नहीं भरना, मतलब गलती मत करो, वो करो जो हमें करना है, समझ रहे हो, फालतू चीजें मत करना है, मेरे हिसाब से फालतू कुछ नहीं करेंगे, वही भरेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, वही लिख दिया करो, बस नंबर पूरे मिलेंगे यार, एक एक नंबर की तो बात है, एक नंबर ना देगा तुम्हारा लिखा हुआ तो क्या देगा। अब कुछ बच्चे पूरे पूरे पेज को भर देते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ रहे, जैसे कि यहाँ देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ है जो व्हील ऑर्गन है, अब व्हील ऑर्गन के बारे में इमेज बनानी है, अब इमेज बनाएंगे फिर उसके बाद नीचे लिखेंगे, बहुत पूरा बड़ा पूरा पेज भर जाएगा, लेकिन आप क्या करिए इसमें कुछ जो पॉइंट मोइन मैन पॉइंट थे व्हील ऑर्गन वाले, ठीक है, पहिया अंग जिसे बोलते हैं, ठीक है, ये एम्फियोक्सिस के अंदर का दाता है और मैंने आपको बता भी था, ये बस छोटे पॉइंट जो मैन मैन पॉइंट है वहां आपको मेंशन करना था और एक छोटा सा इमेज बना देते साइट में, या फिर 2-4 लाइनें लिख देते और इमेज बना देते, पूरा नंबर मिलेगा। यहाँ फालतू लिखने की जरूरत थोड़ी, आधा पेज में कर दो काम हो जाएगा, पूरा पेज भरने की जरूरत ना है, ठीक है भाई। अब देखो यार 50 वर्ड बहुत होते हैं, 50 वर्ड में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, एक नंबर का 50 वर्ड में लिखने की, आधा पेज भर दो, एक इमेज बना दो, उसकी डायग्राम बना दो, और वो डायग्राम बनाना है तो कलर के पेंजों का यूज करना है, ठीक है, पेपर में कलर वाले पेंजों का, मतलब लाल को छोड़कर, आप लाल को छोड़कर किसी पेन का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लाल और गुलाबी को छोड़कर, लाल और जो गुलाबी होता है उसको छोड़ देना, बाकी किसी पेन का यूज कर लेना, ग्रीन का यूज कर सकते हो, काले का, नीले का, ठीक है, और पीले का, इन सब का यूज करके अच्छी तरीके से कलर वाइज बनाओ, बैंगनी पेन ले लो, उनको कलर वाइज इमेज बनाओ यार, बिंदास दिखनी चाहिए पेपर में, तभी तो नंबर अच्छे मिलेंगे इस तरीके से। अब देखो पहला क्वेश्चन पूरा फंसा है, एक नंबर का लगा लो, देखो यहाँ देखो एक्सोलोटल लार्वा, ये पूरा क्वेश्चन वही फंसा है जो हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया था, ठीक है। अब नीचे जाओ, यहाँ देखो बालिक, यहाँ बोला गया है धमनी प्रणाली के बारे में, देखो एम्फियोक्सिस जो हमने इंपोर्टेंट पूरा एम्फियोक्सिस के बारे में, ज्यादा यहाँ भी मेंशन नहीं करना है क्वेश्चन को, बस थोड़ा सा मतलब कि कुछ वर्ड लिखना है, 2-4 लाइनें लिखनी है और इसका इमेज बना देना, एक नंबर में बस आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। और देखो एंडोस्ट्रॉयल, ये पूरा एंडोस्ट्रॉयल के बारे में, ये भी क्वेश्चन एक नंबर का फंसा है, ठीक है। अब नीचे हम जाएंगे, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना टेनुरिया लार्वा, ये क्वेश्चन भी आपको इंपोर्टेंट दिया था, देखो वही है बिल्कुल वही। अब टेनुरिया लार्वा जब बनाओगे तो क्या करोगे भाई, उसका 2-4 लाइन लिख दो, उसके बारे में लिख दो, ये किससे उत्पन्न हुआ है, कैसे हुआ है, बस इतना दो, ठीक है, और उसकी इमेज बनाओ, डायग्राम जरूर बनाना यार, देखो जब जूलॉजी बॉटनी की जब बात आती है ना तो डायग्राम जरूर बनाया करो, क्योंकि टीचर जो भी होता है ना, जो एग्जामर आपकी कॉपी चेक करता है, तो याद रखना वो आपको ज्यादा कर लिखा है उस पे ध्यान नहीं देगा, आपने डायग्राम पे ही सब कुछ मेंशन कर रखा होगा कि भाई ये इसका अंग है, ये इसका ये है, ये इसका वो है, वो सब कुछ आपने वही लिख दिया होगा, तो जरूरी क्या है उसको ध्यान देने की, तो वो चीज आपको ध्यान देखना। अब नीचे जाइए, ये पूरा एक नंबर का क्वेश्चन फंसा है, देखो पूरा की पूरा पेपर वही आया जो मैंने आपको बताया। अब यहां देखो जो एकिडनमा की बात करें, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, यहाँ देखो
देखो, और ये जो बात है उडन मीन, देखो उडन मीन का मतलब होता है एक मछली होती है, उसके बारे में मेंशन करने के लिए बोला गया, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को भी देख सकते हो। सो लेकिन आगे जितने भी स्टूडेंट देने वाले हैं अभी पेपर में, तो ये क्वेश्चन यदि आपके गैस पेपर नोट्स में दे रखे हो, जो सीरीज वगैरह मार्केट में आती है, और आप देने वाले हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से है, मैं ये नहीं कह रहा यूपी के किसी यूनिवर्सिटी से, एमपी बिहार से भी है, तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर देख लेना एक बार, ठीक है, इन क्वेश्चनों को। बाकी जो फंसना है वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब जो मैंने बताया, अब यहाँ पहुंच जाओ, देखो ये पहुंचो, हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन खत्म कर लिए, अब शॉर्ट आपको शॉर्ट देखना है, ठीक है। अब शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, अब शॉर्ट क्वेश्चन में देखो बोला गया 200 वर्ड में लिखना है, अब 200 वर्ड लगभग कितने आएंगे, आपको दो पेज भरने होंगे, मतलब कि डेढ़ पेज आप भर दीजिए और एक डायग्राम बना दीजिए, दो पेज हो जाएंगे। कैसे कैसे, आप देखिए, मान लीजिए एक पेज आपका ये पूरा है यहां से यहां तक, इसका साइड वाला भर दीजिए, ये आप भरेंगे और इधर पलटेंगे इसको, देखो इधर लिखते हुए चलेंगे, उसके बाद पलटेंगे तो इस साइड में, और इस साइड में तो लास्ट में एक डायग्राम बना दीजिए जबरदस्त वाला, जिसे कहते हैं ना जबरदस्त वाला, या साइड में बना दीजिए, या फिर आप बीच वाले पेज पे बना दीजिए, उसके बाद में साइड में उसका फिर से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। मतलब कि आपको लगभग 3 पलट भरना होगा, ठीक है, काम हो जाएगा यहीं। अब यहां करोगे 3, मतलब कि 100 वर्ड में पहले पेज पे, 100 वर्ड में दूसरे पेज पे, और डायग्राम बना देंगे, बस खत्म, पूरा नंबर मिलेगा आपको 5 के 5 नंबर, ठीक है। ये तरीका होता है, मतलब नंबर लेने का तरीका सिंपल ही तरीका होता है, आप डायग्राम बनाएंगे तो नंबर आपको पूरा मिलेगा। लाल और आपको जो होता है ना गुलाबी पेन का यूज नहीं कर रहा है, बाकी बैंगनी का पेन का यूज कर सकते हो, इमेज बनाते हो, केवल इमेज बनाते हो, कह रहा हूं डायग्राम बनाते हो, इसका पेज का यूज कर सकते हो, लाल का, बैंगनी का, पीले का कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो, इमेज आराम से आपको नंबर मिलेंगे, कोई नंबर नहीं काटेगा, ओके, अच्छा इमेज लगेगी तो अच्छे नंबर मिलेंगे, ओके। अब यहां क्या करना है, देखो यहां आपको कह रहा है, अब दो क्वेश्चन यहां दे रखे हैं, 5-5 नंबर का क्वेश्चन है, वन ओनली वन आपको अटेंड करना है। देखो एक चित्र बनाइए और उनकी आवश्यकता, आपको किसी अथवा में क्वेश्चन दे रखे हैं, अब देखो यहाँ आवश्यकता नहीं है, वर्ण करने की कह रहा है, देखो यहाँ स्वच्छ नाम चित्र बनाइए, ठीक है, वर्ण की आवश्यकता नहीं है, यहाँ बोला गया है कि वर्ण की आवश्यकता नहीं है, मतलब कि आपको इसके बारे में लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको इमेज बनानी है, डायग्राम बनाना है, ठीक है, नाम चित्र बनाना है कि ये अंग इसका, ये अंग इसका, पूरा नंबर मिलेगा 5 नंबर का, देखो केवल इमेज बनाने की आपको 5 नंबर मिला है। वेलोग्लॉसिस जो एनिमल, जो जानवर होता है, उसके बारे में बताया था मैंने आपको, ठीक है, तो वेलोग्लॉसिस होता है, और इसके बारे में आप पूरा अच्छी तरीके से बनाना है, ये क्या है, इसका ऑर्गन क्या, जितने ऑर्गन है उसके अंग है, जितने ऑरल हुड भी इसमें पाया जाता है, तो वो सब कुछ के बारे में आपको डालना है। यदि ये ना कर सको तो आप एम्फियोक्सस के ऑरल हुड के बारे में डाल सकते हो, वो बना के अच्छी तरीके से उसका इमेज बनाना है, डायग्राम बनाना है और डाल देना है, एक एक पेज बन जाएगा कोई ज्यादा, लेकिन उसके बारे में एक एक ऑर्गन जहां लिखा है इमेज वो आपको याद होना चाहिए, तब आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। अब यहां बात की जाए, आप देख सकते हो तीसरे क्वेश्चन पहुंच जाओ, तीसरे क्वेश्चन में इस तरीके से बना है कि आपको बोला निम्नलिखित में से एक पर आपको नोट लिखना है, कि नहीं एक पर, आप देखो कह रहा है कि पक्षी, अब यहां आपको इमेज नहीं बनानी है, अब यहां नोट लिखने के लिए बोल रहा है, ये भी बोल रहा है कि यहां बोला गया पक्षियों का महत्व बताना है, पक्षियों का महत्व कैसे बताओगे यार, पक्षी के क्या महत्व होते हैं उसके बारे में, अब देखो पक्षी ना उड़नहीन पक्षी, मतलब बोला गया है एक होते हैं पक्षी जो उड़ते हैं, एक होते हैं उड़नहीन जो उड़ते नहीं है, ठीक है, जैसे उड़नहीन कह सकते हैं, तो उड़नहीन मतलब उड़नहीन है जो मतलब नहीं उड़ते हैं, उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है, इन दोनों के बारे में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये ना करो तो ये मैंने भी आपको इंपोर्टेंट हो गया ऑक्टियो, ठीक है, ऑक्टोडेक्स के बारे में बताया था, ये क्वेश्चन मैंने ये वाला नहीं दिया था, बाकी ये दिया था, लेकिन आप ऊपर वाले कर सकते हो बड़े आराम से। अब बेलोग्लॉसिस के देखो, बेलोग्लॉसिस की सेवनता के वर्णन करने के लिए बोला गया, पूरा क्वेश्चन वही फंसा है जो मैंने आपको इंपोर्टेंट दिया, पारा 5 नंबर का क्वेश्चन ये फंसा है, ठीक है, और 5 नंबर का क्वेश्चन आपका देखो ये फंसा है, देखो पूरा क्वेश्चन वही फंसा है जो हमने बताए थे, उसके बाद में ये क्वेश्चन ना कर सको आप ये वाला बेलोग्लॉसिस की, उसके बाद में यूकार्डा कह सकते हैं, यूरोकार्डेटा है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया, तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है, उनके समान लक्षणों के बारे में यहां आपको बता देना। अब यहां देखियो नीचे, यहां पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो पांचवा क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, देखो ध्यान से, पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि जो रेप्टाइल है, ठीक है, रेप्टाइल के समान लक्षण के बारे में बोला गया, तो आप रेप्टाइल के समान लक्षण बोल सकते हो, या फिर आप ये ना करना चाहे ना तो ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, जो क्वेश्चन मैंने आपको इंपोर्टेंट दिया था, आप देख सकते हो जहरीले और गैर जहरीले सांपों में अंतर, मतलब जो जिसमें जहर होता है वो सांप, और जिसमें जहर नहीं होता है उन सांपों में अंतर, पूरा फंसा है, आप देख सकते हो 5 नंबर का पूरा क्वेश्चन, देखो यार जो बताए थे वही क्वेश्चन आए, तुम विश्वास करिए, उस लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है जो मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, देख लीजिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से बाहर कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। और छठा क्वेश्चन को देखिए, यहां कह रहा है मछली में पाए जाने वाले सल्कों के प्रकारों के बारे में आपको लिखना है, कौन कौन से सल्क पाए जाते हैं, यदि आप ये ना करना चाहें तो उभयचर के बारे में बता सकते हैं, देखो उभयचर भी आ गया, ठीक है, ठीक है, एम्फीबिया, एम्फीबिया के बारे में उनके समान लक्षण क्या है, उभयचर के पूरे क्वेश्चन, ये भी मैंने आपको इंपोर्टेंट दिया था, पूरा क्वेश्चन वही फंसे हैं जो हमने बताया था, कुछ बाहर नहीं आया, मैं आपको पूरा मेंशन करके दिखाऊंगा कितने क्वेश्चन के फंसे हैं। अब यहां देखिए, यहां आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ चुके हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन करा है, कि नहीं दो क्वेश्चनों को अटेंड करना है, 7.5 नंबर के मतलब 15 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा यदि आप हमारे
लॉन्ग क्वेश्चनों को अटेंड करते हैं, ये बोला गया है। चलो अब यहां देखते हैं क्या क्या लॉन्ग क्वेश्चन थे। दो क्वेश्चन को करिए 500 वर्ड में, मतलब 500 वर्ड का मतलब क्या होगा, कम से कम आपको ढाई पेज भरना है। मतलब कि ढाई पेज का मतलब मत समझिए, मेरा एक पेज ये हो गया, उसके बाद में ये दूसरा पेज हो गया, उसके बाद में ये तीसरा पेज हो गया, मतलब पलटते रहेंगे, ये चौथा पेज हो गया, और उसके बाद में एक और पेज भरेंगे, एक और पेज भरेंगे, पांच, मतलब ये आपको पांच पलट भरने होंगे तब आपको पूरे मिलेंगे 7.5 नंबर लगभग में। अब ये क्या करोगे आप, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो आप देखो एक पेज पे आप इमेज बनाइए, पूरे पेज पे आप इमेज बना दी कोई दिक्कत नहीं, पूरे पेज पर आप डायग्राम बनाइए, पहले उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करिए, वो कहाँ उसका क्लासिफिकेशन क्या था, वो कौन से फैमिली से है, बिलोंग करता है, वो सब आप लिखेंगे, एक इमेज बना देंगे उसके, उसके बाद में जो भी मेंशन होगा उसके बारे में लिख देंगे, और तीसरे बार में फिर भी उसके बारे में जो भी होगा उसके महत्व वगैरह और उसकी विशेषताओं के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, क्या हैबिट हैबिटेट वगैरह वो सब आपको डाल देना है। अब यहां देखो यहां बोला गया है सातवें क्वेश्चन में कि बेलोंग क्लॉसेस के पाचन तंत्र के बारे में बताइए। तो पाचन तंत्र जब बनाओगे तो उसको आपको इमेज तो बनाए बनाएंगे, डायग्राम तो बनाओगे कि उसके आहार नाल के बारे में पूरा डिस्कशन बताओगे बेलोंग क्लॉसेस का कैसा होता है, क्योंकि ये तो एक्सप्लेन कराते हैं, मतलब ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट आपको करने को मिलते हैं, आप जब कॉलेज जाओगे तो हमको मिलेंगे। अब यहाँ देखो आप ये करना ना चाहो तो इसका ये दूसरा क्वेश्चन कर सकते हो कि वर्ग जो स्तनधारी होता है, स्तनधारी का जो वर्ग होता है उसके समान लक्षण के बारे में बताइए कि प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं, और उनके उचित उदाहरण देकर आपको समझाना है कौन कौन से में आप स्तनधारियों को रख सकते हैं ये। उसके बाद में यहाँ तो नमक क्वेश्चन बोला गया, वो बोला गया देखो प्रतिगामी कालांतर क्या होता है, ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपको इंपोर्टेंट दिया, और वहीं बोला गया यूरोकार्डेटा के जीवन चक्र के संक्षेप। अब यूरोकार्डेटा का बेलोंग क्लॉसेस तो रखोगे यार, और कुछ थोड़ी रख सकते हो यूरोकार्डेटा, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ बोला गया भैया एनिमल को रखोगे, और साथ ही साथ यहाँ बोला गया प्रतिगामी कालांतर के बारे में, पूरा क्वेश्चन वही बताया जो हम बताते हैं, समझ रहे। अब यहाँ देख लीजिए, अब आपको पूरा 7.5 नंबर का प्रश्न है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अब इसको देखिए ये वो करना चाहे तो आप ये वाला कर सकते हैं, दंत विन्यास क्या होता है, स्तनधारियों के विभिन्न प्रकार के दंत विन्यासों का वर्णन करिए, ये क्वेश्चन पूरा फंसा है। अब ये ना करना चाहो तो ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो कि नामचित्र की सहायता से, ठीक है, एम्फियोक्सिस का एम्फियोक्सिस देखो एम्फियोक्सिस का उत्सर्जन अंग आ गया, बताओ वो आ गया, वही सिस्टम पूरे वही है, तो आप ये चाहते हो वो भी चित्र बना के लिए बोल रहे हैं ना, तो ये बनाना है यार, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी होता है। डायग्राम बनाने से पता है जो टीचर आपको समझेगा कि हाँ ये बंदे ने कुछ किया है नया, ठीक है, तो डायग्राम बहुत जरूरी होता है, ये आप करेंगे। अब मैं इसको यदि पूरे क्वेश्चन पेपर को मिलाया जाए तो आप लगा सकते हो कि 50 नंबर का है, जिसमें हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो फंसे थे वही नहीं फंसे, आप लगा सकते हो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से ना फंसे हैं, देखो एक ये नहीं फंसा है, एक दो तीन, ठीक है, और चार, चार क्वेश्चन नहीं फंसे बेटा, चार और एक पांच, ये वाला पांच जिसे धानी प्राणी बोलते हैं, पांच पांच क्वेश्चन नहीं फंसे हैं। अब आप पूरा लगा लो, 50 में से पांच क्वेश्चन मतलब कि 50 नंबर का था तो पांच नंबर के एक वेरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं फंसे हैं, मतलब कि 45 नंबर का पूरा फंसा है, तो 45 इंटू कर दीजिए 100, ठीक है, 45 इंटू कर दीजिए 100 बटे कर दीजिए 50, आपके सामने परसेंटेज निकल के आ जाएगी, आप कर दीजिए फटाफट कितना आ जाएगा, 90% फंसा है, आप देख सकते हो आपके सामने 90% फंसा है आज का पेपर जो आपका वीर बहादुर से पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का हुआ है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और जो जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं वही तैयार करना है, बाकी कुछ नहीं देखना है, ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।